आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप जो हमारी डिबेट है वो प्राइम डिबेट जो हो रही है उत्तर प्रदेश की धरती उस स्थान से जो स्थान गोरखपीठ के नाम से मशहूर है और मशहूर होना भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहीं के पीठेश्वर हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का, इसमें सारे दल अपने भी तैयारी में लगे हुए हैं और सारे दल प्रयास कर रहे हैं किस तरह से जनता को लुभाया जाए, जनता का समर्थन लिया जाए और दोबारा इस सत्ता की कुर्सी बैठा जाए। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें और चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सारे दल तैयारी कर रहे हैं। और जब हमारी डिबेट जो समय रामगढ़ ताल जो एक आपका गोरखपुर का बहुत मशहूर तालाब है उसके बोर्ड में हम डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ इस डिबेट के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार का जो समीकरण रहेगा, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी और साथ ही साथ जनता का समर्थन किसको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी बात करें, आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि हम बहुमत के साथ आ रहे हैं, हमने जो विकास का कार्य दिल्ली में किया वो यहाँ भी करने जाएंगे, वही फार्मूला जमाएंगे। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा कह रही है कि हम जिकार जो सीटें पिछली बार लाए थे इतनी सीटें इस बार भी लाएंगे और दोबारा सत्ता की कुर्सी पर आसीन होंगे। भाई अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उनका भी कहना है कि हमेशा हमने विकास किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से काम किया है और हम इस बार फिर उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से अलग चाल चलते हुए सरकार बनाते नजर आएंगे। तो वहीं एक समाज से भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो बताएंगे कि गोरखपुर में क्या विकास हुआ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है गोरखपुर में, 9 विधानसभा सीटें आती हैं। जो पिछली बार 2017 के चुनाव की बात करें तो 8 सीटें भाजपा ने जीती थी और 1 सीटी जो सीट थी वो बसपा के खाते में गई थी। तो डिबेट शुरू करने पहले अपने लोगों से परिचय करा दूं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत राज शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे, पत्र रखेंगे अपना। उसके बाद ओम नारायण पांडे जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से अपना पत्र रखेंगे। इसके बाद विजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कि गोरखपुर जो शहर सीट है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी भी हैं और आम आदमी पार्टी का पत्र रखते नजर आएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ सुधीर झा जी हैं जो कि समाज सेवी हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका समाज सेवा में। तो इन चारे मेहमानों का मैं करके में स्वागत है। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो कि संतराज शर्मा जी। संतराज जी क्या मानते हैं, बहुत दिलचस्प लड़ाई है और सारी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, उनका कहना है कि हम बहुमत से आ रहे हैं, पर बहुमत तो एक ही पार्टी आएगी जो सत्ता कुर्सी पे आसीन होगी। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी दोबारा से बढ़कर दिखाती नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं बाबा गोरक्षनाथ की पावन धरती पे गोरखपुर में सदर विधानसभा से माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का एक बच्चा बच्चा गोरखपुर का चुनाव महाराज जी के लिए रेडी है और महाराज जी को ही चुनाव जीतने के लिए एक एक बच्चा वोट करेगा और ऐतिहासिक मतों से महाराज जी को यहाँ से जिता करके फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाएगा। पर समाजवादी पार्टी बोल रही है कि इस बार कोई जादू नहीं चलने वाला है, ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की केवल यहाँ पर बात करते हैं, इस बार समाजवादी पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आएगी और दिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह सुपर साफ होता है, क्या मानते हैं इस बार? हर दल के लोग कह रहे हैं, सभी दल के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। ये तो 3 तारीख को, 3 मार्च को यहाँ वोट पड़ेगा और 10 मार्च को जो है गिनती होगी, वो सब आपको ईवीएम से पता चल जाएगा कि कौन सा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ईवीएम बताएगा। वोट हमारे यहाँ जो पड़ेगा गोरखपुर में सदर विधानसभा में और 9 गोरखपुर शहर में आपका से लेकर के पूरा अपने गोरखपुर मंडल में 9 विधानसभा है, हम 9 विधानसभा जीत रहे हैं, कोई भी हम सीट नहीं हार रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब बहुजन समाज पार्टी के ओम नारायण पांडे जी हैं। पांडे क्या मानते हैं, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने बिल्कुल दमखम के साथ कहा कि हम पूरी 9 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, दोबारा सरकार की बनाने कर रहे हैं 2022 में? यह बताइए, अगर ये सपना देखें तो सपना देखने वाले के तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अंदाज तब लगेगा जब वोटों की गिनती चालू होगी। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों और चाहे मुख्यमंत्री जी हों। सब लोग कबड्डी पढ़ाने की तो कोशिश किया है लेकिन वहाँ छू नहीं पाए, फिर भाग आए हैं, ये चीखा नहीं कूद सकते हैं। तमाम तरह के समझ लीजिएगा कि अच्छे दिन आएंगे
हम तो कहते हैं कि तुम अच्छे हमारे जो पुराने दिन वापस करो। अच्छे दिन कहाँ चले गए भाई साहब? यह स्थिति है कि आज भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम की होती तो पाना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि डिबेट है, अपना पक्ष रखना है और जनता को अपने तरफ आकर्षित करना हर आदमी का अधिकार है। या जितने मैक्सिमम लोग इसको बोल रहे हैं और आग भी रहा है कि यह लोग ताड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, मंत्री खदेड़े गए हैं। गोरखपुर में भी आपके बरहलगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको मैंने भाई साहब कहना नहीं चाहिए, वो सब की वो मार खाते खाते बचे हैं। पर बताया जा रहा है कि लड़ाई केवल दो पार्टियों के बीच में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड नहीं कर रही है, लोग कह रहे हैं। मान्यवर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कैसे हो सकता है? हमारा वोट 24% है और हमारे वोट को न कोई खरीद सकता है, न तोड़ सकता है, न बांट सकता है। बहुजन का वोट शिलाखंड है, किसी की 12-17 में वोट कहाँ चला गया था? तो 17 का वोट तो एक विशेष परिस्थिति थी, वह एक विशेष परिस्थिति। इस बार कैसे बोल सकते हैं कि वोट तो आपको मिलेगा? स्थिति नहीं है मान्यवर, वो अब तो समझ लीजिएगा कि ये सरकार बदनाम हो गई है, ये सरकार फेम आ गई है, इसे फेमस नहीं है, गवर्नमेंट है हर मोर्चे पर असफल है, रोजगार के अवसर पर, सुरक्षा के अवसर पर, महिलाओं के स्थिति पर है, ये तो ढिढोरा है, अपने पीटना है, ये ढिढोरा पीटना है कि, लेकिन सच्चाई है जनता इसको मान नहीं रही है। लगातार समाजवादी पार्टी की रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, अखिलेश यादव रथ यात्रा कर रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, तमाम जगह रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का माहौल बड़ा ठंडा नजर आ रहा है, क्या मानते हैं? मान्यवर आदरणीय श्रीवास्तव जी, कल आप रहे होते चंपा देवी पार्क में तो लोगों की आंखें की पट्टर खुल जाती, 3.5 लाख की भीड़ थी। अभी तक कोई पार्टी उसको उस मैदान को पाट नहीं पाया है, पैडरेगंज से लेकर के और यहाँ तक की भीड़ थी। वह जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ललकार करके सरकार बनाने जा रही है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि शिक्षा का मंदिर, योगी जी शिक्षा के मंदिर को बंद कराए कोरोना काल में, लेकिन शराब की दुकान को उन्होंने खोलवाया, जबकि शराब की दुकान को बंद होना चाहिए, सबक लेना चाहिए। आपके बगल के प्रदेश में शराब का लाइसेंस तक नहीं है, लेकिन यहाँ कोरोना काल में भी शराब की दुकानें खुली रही और शिक्षा की जो हमारे मंदिर है आज तक एक तरह से बंद है। हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो कि गोरखपुर के सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, विजय जी क्या मानते हैं कि मुफ्त की राजनीति की जो शुरुआत दिल्ली में हुई थी, 300 यूनिट बिजली, पानी, तमाम वादे किए गए, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको लेके दिल्ली की जनता समर्थन मिला और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने और लगातार काम करते आ रहे हैं। संजय सिंह बोलते हैं कि उसी फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले के आधार पर आपने अपने वादा पत्र भी उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, क्या मानते हैं कि ये वादा पत्र कहाँ तक काम होगा? देखिए, पहले तो हमारे दोनों बड़े भाइयों की बात हमने सुना। भाजपा के हमारे बड़े भाई ने कहा ईवीएम देखिएगा, ईवीएम क्या कहता है, तो अब इसी से आप मतलब निकाल लीजिए कि इनका ईवीएम क्या कहेगा। खैर, बड़े भैया ने कहा कि बसपा पूरे जोर शोर से सरकार बनाने जा रही है। आज बसपा के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है, इलाहाबाद प्रयाग के पास की कोई सीट है, वहां से उनका प्रत्याशी कमजोर पड़ गया है, तो उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव को हरा दे, हम बसपा के सभी वोटरों से कहते हैं कि आप जो हरा दे उसको वोट दें। मतलब सोचिए बी टीम की कहानी, बी टीम बोल रहा है कि आप बी टीम हो गया है भाई साहब, इनका कहना गलत है और यह देखा है, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं हम, ये तो बोल रहा है कि लेटर जारी हुआ है, ये तो गलत बोलना है, कहीं दिखाना हुआ, अगर पेपर जारी किए हैं तो दिखाना कि कहां ऐसा ऐलान हुआ है, ये इनका कहना बोल रहा है कि ऐसा कुछ। अगर आप हमको थोड़ा सा समय देंगे तो सोशल मीडिया में वो पूरा पत्र जो है प्रदेश कार्यालय बहुजन समाज पार्टी टीम की बात लगे, पर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है ऐसा जिससे सरकार इनको जो है जनता समर्थन मिले? आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करती है, न वो धर्म की बात करती है, न वो जात की बात करती है। ये लोग धर्म और जाति दोनों की बात करते हैं। ये लोग अगर इनके बीच से धर्म और जाति हटा दिया जाए
तो इनके पास एक सीट नहीं बचेगी। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ किया, वैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। ये 10% से भी कम में हो जाएंगे ये, क्योंकि जनता इनके झूठे वादों से, झूठे कार्यों से, गलत कार्यों से तबाह आ चुकी है। बसपा को देख लिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, सपा को देख लिया, भाजपा को तो देख ही रही है, इतना देख रही है कि अब खून के आंसू जनता यहाँ पे रो रही है। अगले जा रहे बोल रहे हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। देखिए बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। दोबारा आ रहा है, तिबारा आ रहा है, और झूठ का पुलिंदा लेकर के आ रहे हैं। हमारे जो गारंटी पत्र में आदरणीय केजरीवाल जी ने जो जो बातें कही उनको ये लोग चुरा रहे हैं। अरे जब आप सत्ता में थे तो बिजली क्यों नहीं फ्री में दिए? आपके भी तो गठबंधन की बात हो रही थी, पहले माना गया था, कई मुलाकातें हुई अखिलेश जी के साथ में। राजनीति में मुलाकात से शिष्टाचार, ये शिष्टाचार मुलाकात होता है, इससे गठबंधन की कोई बात नहीं की जाती है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा अक्षर सह उसको केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे पार्टी के नेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि दिल्ली की जनता उनके साथ थी और वो दोबारा सत्ता में आए और सर्व लोकप्रिय कार्यक्रम जो जनहित के लिए कार्यक्रम था, जैसे कि उनके वहां ना कोई अमीर, ना गरीब, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अगड़ा, उनके वहां अगर बिजली किसी 200 यूनिट किसी आम आदमी का माफ है तो करोड़पति का भी माफ है। वहां पे जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो आम आदमी के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए, किसी के लिए, मतलब दिल्ली के प्रत्येक निवासी। इनके जैसे नहीं कि आयुष्मान कार्ड उनको मिलेगा जो संपन्न है और जो सवर्ण है, जो गरीब है उनको नहीं मिलेगा। ये भेदभाव वाला कार्यक्रम वहां नहीं है। जो वहां का दिल्ली का निवासी है उसको सारी सुविधा एक समान मिलती है, जिसके वजह से वहां भारी से भारी मतों से वहां पे हमारी सरकार जीत करके आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। और मैं आपको बता दूं, आप याद करिएगा, उस व्यक्ति को हराने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे एमएलए एमपी भाजपा के लग गए थे, पन्ना प्रमुख तक सब लोग बन गए थे और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हम उन्हीं पार्टी के नीतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और पूरे बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, गोरखपुर की सीट से ही खाता खुलने जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये मैं बता रहा हूँ आपको। संतराज जी, गोरखपुर सीट से खाता खोलने की बात कह रहे हैं, बहुमत से क्या कह रहे हैं? असंभव, कभी नहीं हो सकता। महाराज जी रिकॉर्ड मतों से यहाँ पूर्व बहुमत से जीतने जा रहे हैं, पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। 300 प्लस है हमारी, 300 प्लस सीटें आएंगी पूरे यूपी में। पिछली बार आप देखे हैं और 12-17 में भी आप लोगों का देखा है, इन लोगों की सरकारें रही हैं। हमारी सरकार तो 17 में आई है और 17 के बाद जो मैंने विकास किया है 5 साल में वो आपको दिख रहा है। आप जहाँ पर ये तारामंडल में आप खड़े हैं, आप देखिए इसको, देखने लायक माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने बनाया है, माननीय सीएम साहब ने बनाया है। आदरणीय सीएम साहब को हम लोग गोरखपुर के निवासी आज बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से महाराज जी जीत जाएँ। उनके हम लोग बहुत फैन हैं और महाराज जी के हम लोग कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर देखिए आपका एनएक्सी भवन बना, यहाँ पर तारामंडल में आपका जो कि गंभीर दास का वो बना, जो म्यूजियम बना यहाँ कलाकारों के लिए, यहाँ पे चीज़ नहीं था गरीबों के लिए। आप जिसके गरीब के पास छत नहीं, बोल रहा है कि आयुष्मान कार्ड को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड जिनका नाम 2011 जनगणना में, अमीर हो या गरीब हो, जनगणना में नाम जिन लोगों का आया है सबका वो एक लाइन से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जनगणना में नाम होना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं ये समाज सेवी है सुधीर झा जी। सुधीर जी, क्या मानते हैं कि यहाँ विकास की बात हो रही है, यहाँ पर दावों की बात हो रही है, यहाँ एक अलग प्रकार से राजनीति करते हुए सरकार दोबारा बनाने की बात हो रही है, आप तीनों की बात सुनिए, क्या मानते हैं, क्या है विकास और विकास को किस तरह किया जाता है? अब तक चूंकि गोरखपुर जो सीट है वो बहुत बड़े नाम के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पर कई वर्षों से कई दस्तों का यहाँ पर राज रहा है, सांसदी चली है, विधायकी चली है, क्या मानते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है और किस तरह के समीकरण देखें? पहले तो ये जान लीजिए कि गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती है, ये हरदम इतिहास लिखने का काम करती है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो ये गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है, यहाँ के क्रांतिकारी लोगों का कृपा है, यहाँ के महान जनमानस का कृपा है, जिसकी वजह से वह आज मुख्यमंत्री के पद पर सुभूषित।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से वह मुख्यमंत्री बने वो पहला काम गोरखपुर के लोगों को भूल गए। जैसे आपने समाज सेवी कहा, मैं बता दूं मैं पटरी व्यवसायी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। इसी गोरखपुर में जब सड़कों के किनारे आप जितने ठेले देख रहे थे ना, सब पे एक समय था सारे केसरिया झंडा बने रहते थे। आज आप पूरा गोरखपुर चले जाइए, एक झंडे नहीं दिख रहे हैं। जब यही योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे तो इनके लिए ये धरना पे लाठी डंडा रासुका तक झेलने का काम किए। जितने भी आंदोलन होते थे सबसे पहले बढ़ चढ़ के पटरी व्यवसाय हिस्सा लेते थे। आज जब से मुख्यमंत्री बने तब से मैं बता दूं गोरखपुर में 50% पटरी वाले प्लान हो गए। ये सामने नौका विहार है, आप जाके देखिए कुछ पटरी वालों की दुकानें बनी है। GDA ने अलग बेचा, नगर निगम ने अलग बेचा, तमाम तरीके की बातें, मतलब जो भ्रष्टाचार की सीमा होती है वो सारे सीमा पार हो गए। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म। अब आगे आइए, ये कहते हैं पलायन। यही बगल में तारामंडल है, वहां पे अंकुर शुक्ला हत्याकांड होती है, आप जाके देखिए। एक निषाद पक्ष जो है हत्या होता है, दोनों लोग तो मुलजिम होता है, हत्या घटनाएं होती जाती रहती है। लेकिन एक निषाद स्वजाति का एक इनके पार्टी में संगठन में जो समर्थन है, सांसद संजय जी हैं वर्तमान में, प्रवीण निषाद यहाँ पे सपा से ही सांसद रहे, तो संजय जी जाके निषाद के घर उकसाने का काम करते हैं। अंकुर शुक्ला के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है और आज वर्तमान स्थिति है कि उसका परिवार पलायन होने की स्थिति में, ये कहते हैं कि मैंने अपराधियों को खत्म कर दिया। तीसरा चीज, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये अपने आप को बुलडोजर बाबा, तमाम गर्मी निकालने की बात। तो मुझे लगता है कि आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी जब से बैठे हैं कुर्सी पे, जैसे कुछ कुर्सी की गर्मी होती है, मुझे लगता है वह स्वयं नहीं सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि वह तो एक तो संत थे, उनको पहले वो कुर्सी सुशोभित देता ही नहीं, लेकिन वो बैठे तो उस गर्मी से लग रहा खुद वो बौखला करके मानसिक संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि किसी संत का ये भाषा नहीं हो सकता है कि ये बुलडोजर देखो, ये गर्मी उतारो, ये अपराधी, एक दंगाई, एक आतंकवादी का भाषा होता है, तोड़ो मारो काटो लूटो, ये अलग निंदनीय भाषा है। क्या यह भाषा संत का होता है? एकदम नहीं होता है। तो हमारा जो मानना है, वर्तमान स्थिति जो गोरखपुर में है, एक एक पटरी वाला आज के डेट में या तो पुलिस को पैसा दे के दुकान लगा रहा है या तो वर्तमान में वो पलायन कर चुका है। और ये कहते हैं विकास, अभी इन्होंने कहा कि ये गोरखपुर में ये देखिए नौका विहार, नो डाउट। मैं जो विकास अगर योगी जी ने किया है, मैं कहता हूँ विकास के, हाँ योगी जी के तारीफ हम करते थे, यही योगी आदित्यनाथ जी जब यह सांसद हुआ करते थे, यही गोरखपुर में किसी मोहल्ले में अगर पानी लगा तो लुंगी उठा के घुसते थे और DM नगर आयुक्त सारे अधिकारी दौड़ते आते थे, वहां का समाधान होता था। लेकिन इतना निंदनीय बात मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री थे इस गोरखपुर महानगरों में, बाढ़ छोड़ दीजिए, बारिश के पानी से नाए चली, मुख्यमंत्री जी एक फोन नहीं, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, एक बार DM को कहते कार्रवाई होता, आए और गए, लेकिन महीनों महीनों पानी लगे रहे, कहीं कोई नहीं रहा। तो सांसद थे इससे अच्छा ठीक थे, मुख्यमंत्री जब से हुए मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो व्यवस्था है। बोले आतंकवादी की भाषा सही भाषा नहीं होनी चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए माफिया या गुंडा जो भी हो, अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अपराध जगत में अगर जो है तो उसका जरामा दुनिया एक अंतिम होनी ही होनी है। अगर वो को एक मिनट उसका जवाब मैं दूंगा, अगर पटरी व्यवसायी के हैं तो पटरी व्यवसायी का जवाब दूंगा, अभी आप अपराधियों के बारे में पूछे तो अपराधी बता रहा हूँ। जो अपराध से कमाया है पैसा, अकूत गरीबों का शोषण करके कमाया है, गरीब किसान झुंगी झोपड़ी का इंसान से वो जमीनों का कब्जा करके अगर कमाया है तो उसका बिल्डिंग बनी हुई है और चमकती हुई उसके कारें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो दो नंबर से पैसा कमाया है, किसी को असहाय करके कमाया है, तो अकुश संपत्ति अगर कमा रहा है तो कहीं भ्रष्टाचार के कमाया है। भ्रष्टाचार में तमाम चीज़ें आती हैं, तमाम योजनाओं से उसने भ्रष्टाचार किया है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। पर ये कह रहे हैं कि जो भाषा है उनकी वो महंत की भाषा नहीं है, जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनकी भाषा सारी बड़ी खराब हो गई है, बड़ा अटपटा बिल्कुल। वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों के साथ अन्याय होगा, चाहे वो किसी कोई सी व्यापारिक अगर होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, माननीय CM साहब का, आदरणीय CM साहब का यही वो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें जाति पात नहीं देखी जाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे लिए सर्वोपरि सभी इंसान हैं और हम सबका सम्मान करते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबकी सम्मान करने का काम करती चली आई है, सबको मिला के चलती है। आप देखिए मेरी सरकार जब आई है तो आप गरीबों के जो है छत नहीं थे, टिन सेट था, पन्नी से झोड़े हुए थे, मड़ई था, लिंटर नहीं था, लोगों पास पक्के मकान बन गए, गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है,
सरकार हमारी मुफ्त में जो राशन दे रही है, किसी को आप कोरोना काल में हम लोग 2 साल जो झेले हैं, कोरोना साल किसे छिपा नहीं है, कोरोना साल में और ये 5 साल में 3 साल ही हम लोग का मौका मिला समझिए, लेकिन हम लोग कोरोना काल को झेलते झेलते आपको देखिए, गोरखपुर में एम्स नहीं था, एम्स बनाया गया जो असंभव को संभव किया गया। अखिलेश सरकार उस समय थी समाजवादी पार्टी की, हम लोग जमीन मांगते रह गए, खुटहन में जमीन हमको नहीं मिली, अंत में जो जमीन हमको यहाँ मिली है। तो बोल रहे पट्टी दुकानदार को पलायन हो रहा है, क्या मानते हैं? पटरी का मैं बोल रहा हूँ, पटरी में नगर निगम के जो पटरी व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन कराया गया है, रजिस्ट्रेशन करा के पटरी व्यवसायियों को अलग अलग बनाने का उनका मार्केट बनाने के लिए, कि ये एक मार्केट अलग अलग बनाए जाकि रोड पर जाम ना हो, चाहे पाते हैं जहाँ पाते हैं वहीं ठेला लगा देते हैं, आम जनता को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे कोई एम्बुलेंस से क्यों न जाना हो, एनी हाउ किसी को भी जाना हो, वो परिवार ले जा रहा हो उसको भी कष्ट होता है, ऐसे में इनको एक बाजार का मतलब बाजार होता है उसको एक समाहित किया जाए, और गाँव में मान लीजिए कॉलोनिया में जाते हैं ठेला लेकर के, उसका भी स्थान है, आराम से घरों घरों बेचते हैं, सुबह बेचते हैं, कोई रोक नहीं टोक है, हम लोग आराम से देखते हैं और कराते भी हैं, उनके सहयोग भी करते हैं कि नहीं ये गरीब आदमी है इसका पूरा सहयोग होना चाहिए, हम गरीबों का सहयोग करने वाली सरकार है, हमेशा गरीबों का ही सहयोग करती रहती है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हाल में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे पार्टियाँ घोषणाएँ करती हैं वैसे वैसे अन्य पार्टियाँ भी उसी घोषणाओं पर चलना शुरू कर देती हैं, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, पेंशन बहाली की कोई बात नहीं कर रहा, पर जैसे जैसे लोगों के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं वैसे वैसे काम होते जा रहे हैं और लोगों की बातें आ जा रही हैं, सारे लोग वही घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उसे मिल रहा, क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी का अपना एक एजेंडा रहा है शुरुआत से, किस एजेंडे के तहत चुनाव लड़ रही है? भाई जब ऐसा है, बहन जी ने ऐलान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक परिवार को एक सदस्य को नौकरी देंगे, उसी को तो योगी जी बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसी को मैं पुष्टि कर रहा हूँ, बहन जी का भी स्टेटमेंट आया कभी, और फिर इधर मैं देख रहा हूँ कई बार योगी जी अपने घोषणा पत्र में इसको लेकर के बोल रहे हैं, तो स्थिति तो भाई अब सब लोग यही बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपना अलग अलग से करना चाहिए, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, पहले तो लाइन आर्डर के लिए बहन जी ने कहा है कि हम आते ही सब पहला काम होगा लाइन आर्डर, योगी जी के राज में लाइन आर्डर पर वाकई में प्रश्न चिन्ह है, यहाँ सब एकदम बिल्कुल समझ। संगठन की बात हो, जनता के लिए लड़ने की बात हो, तो मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं भी रहता हूँ, पत्रकारिता मैं यहीं करता हूँ, तो मैंने देखा समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, आम आदमी पार्टी लगातार लाठियां खाती है, संघर्ष करती है, पर बहुजन समाज पार्टी मुझे कहीं मैदान में नजर नहीं आती है, क्या मानते इस बात को? बहन जी का एक कहना है कि हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत गरीब घराने के हैं, जो कि दैनिक मजदूरी, कार्यकर्ता अमीर होने तभी मैदान में आएंगे, सुनिए, दैनिक मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी करने से मान लीजिए मुकदमा दर्ज, मान जी की स्टेटमेंट की बात मैं बोल रहा हूँ, तो उनको कहाँ से जमानत कराना है, दौड़ धूप को उनका समझ लीजिए रोजी रोटी रोकता है, इसलिए अपना अंदरूनी हम लोग समझ लीजिएगा संगठन खड़ा करते हैं जमीनी स्तर पर, आज समझ लीजिएगा कि तमाम लोग अफवाह फैला करके थोड़ा बहुत डैमेज किए थे बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे अधिक पैसा जो है यही भारतीय जनता पार्टी 5-5 करोड़ लेकर के और टिकट देने का काम किया, और गोरखपुर में तो हद हो गया, अब कितना गया है, 1 सीट का 10 करोड़ तक आदान प्रदान हुआ है, आप स्वयं लोग जानते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, तो यही है, और न मालूम अखिलेश जी के कौन सा वो किसका फार्म है कि 40,000 रुपया एक उनके फार्म का दाम है, तो बदनाम तो बसपा को लोग किए, लेकिन अपने सबसे अधिक भ्रष्टाचार टिकटों में किए हैं, सभी दलों के लोगों ने मेरा दावा है, और सर्वाधिक टिकट 5 करोड़ तो आप वहां पर पंजाब में लेकर के किया है, 5 करोड़ रुपया आप पार्टी 5 करोड़ रुपया लिया है। गौरव जी, मैं आपसे जो बातें शुरू से हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि माफिया, अभी बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर और माफिया की बात हो रही, पहले मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, यहाँ से ना माफिया खत्म हुए ना लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, स्वरूप बदल गया, यहाँ पे पहले अपराधी अपराध करते थे, अब शासन सत्ता के दबाव में पुलिस अपराध कर रही है और सत्ताधारी दल के लोग अपराध कर रहे हैं, ये स्वरूप बदला है गोरखपुर में। आप देखिए मनीष गुप्ता व्यापारी कानपुर का, गोरखपुर आता है, उसकी होटल में हत्या कर दी जाती है पुलिस कर्मियों के द्वारा, और यहाँ का भ्रष्ट जिलाधिकारी और SSP सत्ता के संरक्षण में बैठ करके उस महिला को कहता है कि तुम अपना केस वापस लो,
तुमको कोई फायदा नहीं होगा, और वो स्टिंग हो जाता है। हाँ हाँ, जब एक मिनट गड़बड़ा रहे हैं, उनका जवाब देना उचित नहीं। और उस व्यापारी की हत्या हो जाती है और उसका कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं रहता है। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन में ये भ्रष्टतम जिला अधिकारी और एसएसपी नहीं फंसे होते तो उन पुलिस वो पुलिसकर्मी जो दोषी थे वो बच गए होते। लेकिन मैं गोरखपुर की जनता का और गोरखपुर के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी उस होटल में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नव व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष होने के नाते, और मैंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और वो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हत्यारे पुलिसकर्मी जेल के अंदर है इस समय। यहाँ पे मामला तो बात चल रही थी, इन्होंने कहा था सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पंजाब में हमारी पार्टी ने 500 करोड़ टिकट बेचे। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी, जो हमारे हैं इनके भी पॉइंट पे आ रहे हैं। सुपा हंसे तो हंसे, चलनिया हंसे जोने में 72 छेद, पूरा दुनिया जानती है, जानता है बहुजन समाज पार्टी बिना पैसा लिए वो एक पदाधिकारी नहीं बनाती है। एमएलए एमपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप बच्चे बच्चे से पूछिए टिकट कौन बेचता है, तो सीधा एक नंबर पे आरोप लगता है कि बहन मायावती जी टिकट बेचती है, इतना पैसा लाइए आपको टिकट मिल जाएगा। मैं ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जन जन तक ये बात जानती है। इनका कहना सरासर गलत है। बहन जी कभी भी टिकट बेचने का काम नहीं करती है। आ यह बताइए कि एक भी इन लोगों के पास तो देश स्तर के सारे जो जमाखोर हैं, सारे जमाखोरों के नेता, सारे जमाखोर दिल्ली से ही भ्रष्टाचार चलता है और दिल्ली की इनकी सरकार है। ये लोग हवा पी करके, आपके लोग हवा पीते हैं और वही पचाते हैं और कुछ लेते नहीं है। बहन जी का कोई एक भी कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा हो या कह दे कि ये देश का एक भी पूंजीपति जो लूटता है, डकैती डालता है और वो पार्टी का मेंबर हो चाहे पार्टी से वह चंदा लेती है, एक यही तो मैं बताने जा रहा था। जितना इन्होंने इकट्ठा किया था भाजपा ने उसको जो है कैच कर लिया और बी टीम बना के छोड़ दिया बसपा को। बहन मायावती जी के बारे में कौन नहीं जानता कि वो आयरन लेडी है, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है, आज वो एकदम शांत चित्त बैठी हुई है। भाजपा ने उनका नस दबा रखा है भ्रष्टाचार वाला, और भाजपा इसमें माहिर है। भाजपा को तो मालूम है कि कब कौन सा तार दबाएंगे तो कौन सा तरंग निकलेगा। तो इस भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी के जो भ्रष्टाचार के जो पैसे थे उसको खींच लिया और इनका वो नस दबा के बैठ गए। तभी तो आज उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रेस रिलीज जारी किया है कि प्रयाग में हमारा प्रत्याशी कमजोर है और जो अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक को हराएगा वो हमारे लोग उनको वोट करें। ये कौन सा तरीका है भाई? पर बसपा तो लगातार पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आप देख रहे हैं लगातार रैलियां भी हो रही हैं। जो इनके महासचिव जो सतीश मिश्रा हैं उन्होंने लगातार रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, सम्मेलन किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो उनका धर्म है, उनका कर्म है, अपनी पार्टी के लिए हर लोग रैली करते हैं, जनसभा करते हैं। ये उनके पार्टी का विचार है, ये वो जैसा करें। पूरे प्रदेश में हर आदमी जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या भाजपा इस समय सत्ता से बाहर, सत्ता की दौड़ से बाहर है, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता के बीच में दोबारा आवे। हमारा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद भी, और पूरा केंद्र लग गया था उनको हराने के लिए, लेकिन दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ये बात देखिए, ये लोग तो बहुमत के आगे पीछे लेके जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं। पंजाब की जहां तक बात आई है, जब इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है, और जो सबसे आश्चर्यजनक घटना पूरे विश्व में घटेगी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जवाब लेते हैं संतराज जी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? पांचों राज्य में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है इस समय, पांचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनेगी, आप जो कह रहे हैं वो हर पार्टी के लोग यही कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हमारे माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी महाराज 5 साल में
वे दाग हैं, कहीं कोई दाग नहीं है, कोई विधायक पर दाग नहीं है। हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किए हैं, गरीबों का हमेशा काम करने का काम किए हैं, जिसके घर में अनाज नहीं है अनाज पहुंचाने का काम किया, जिसके घर में गैस नहीं है गैस देने का काम किया। ये लोग दिन भूल गए जो रात में माताएं बहने जाकर के जो है लाइन लगाती थी 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को, और उसमें एक सिलेंडर गायब हुआ करता था, वापस में वो करते थे, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग होती थी। और आप देखे होंगे आज के दिन में लोग गैस सिलेंडर लेके घूमते हैं, घरों पे कहते हैं अरे आपको गैस की जरूरत हो ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपना एक भी मिनट समय अपना नुकसान अब नहीं होता है। पहले पूरी रात लोग जागते थे, दिन दिन भर दौड़ते थे, गैस नहीं मिलता था। मेरे भाई गरीबों को, माताओं की बहनों को जो आंखों से आंसू गिरता था, लोग चूल्हा में आग से जो है कि खाना बनाती थी, रोटी सेकती थी, वो बहनों को जो है वो आँख पे तमाम बीमारियां होती थी। वो माननीय योगी जी, मोदी जी, ये जो लोगों ने ऐसा किया जिसे वजह से माताएं आज सब बहनें माताएं सब खुश हैं, और जिसके वजह से घर घर में गैस कनेक्शन हो गया है। और इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड के साथ साथ आयुष्मान तो भारत 5 लाख रुपए का एक साल में आपको इलाज के लिए है, 2 साल के लिए 10 लाख का इलाज के लिए है। लेकिन आप ये देखिए, मैं तो देखा हूँ लोग, हमने जो है तमाम आयुष्मान कार्ड बनवाया है, गरीबों का इतना कल्याण हुआ है, एक पैसा नहीं लगा। यहाँ से गोरखपुर से लोग चंडीगढ़ गए, चाहे वो आप जो है कि लुधियाना गए, लोग इलाज कराए और वहाँ पर लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ, क्योंकि आयुष्मान कार्ड था, बिना पैसे का इलाज हुआ और स्वस्थ होकर के गोरखपुर के आए हैं। धन्य हो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, धन्य है। वो हमारे नेता नहीं है, योगी या मोदी नेता नहीं हो, देवता हैं। हमारे आने वाले दिन पीढ़ी के वो भविष्य है, भारत के देश के निर्माण करता है। और ये गोरख की जनता क्या, पूरे भारत की जनता योगी मोदी को कभी भूल नहीं सकती है। महापुरुष, जवाब लेते, जवाब लेते, जवाब लेते हैं, जवाब हमारे पार्टी जवाब दें। बड़ा सटीक जवाब। ये कहते हैं जो राम को लाए वो उनको हम लाएंगे। अरे ये राम से बड़े हो गए, शर्म नहीं आती है, बेशर्मी का हद है। राम को ये ला पाएंगे? राम इनके बस में है? राम भगवान पुरुषोत्तम राम है, जो सबके पालनहार हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, और ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वाह। और देख लीजिए अब ये लोग देवता की श्रेणी में आ गए, गजब का भाल हाल है भाई। मतलब कुछ भी राजनीति में कुछ भी, ये एकदम गलत बात है। हम इनकी भत्सरना भी करते हैं, देवता देवता होते हैं, ये यही इन लोगों का हिंदूवाद है। जनता के लिए देवता बोला? नहीं, जनता देखिए, जनता के लिए देवता नहीं होता है, देवता सब देवता के लिए इस्तेमाल होता है। ये लोग इसी तरह से, ये वही हिंदू हैं जो देवता देवी फलाने ढकाने की बात करेंगे, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान अब तालिबान जोड़ लिए हैं, मतलब तालिबान का भी भय दिखाते हैं अब ये लोग। इनके बस में वही है एजेंडा कि भय दिखाओ और सत्ता पाओ, लेकिन जो वादा करो वो पूरा ही मत करो। हमारे बड़े भाई ने कहा कि गैस से बहनों की आंखों से आंसू निकलना बंद हो गया, अरे वो खून के आंसू रो रहा है, सिलेंडर फेंक करके गैस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, ये आप कहीं भी देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की हकीकत सबको पता चल गई, कोरोना काल में सारा आयुष्मान कार्ड फेल हो गया, पट पट लोग मर रहे थे इलाज के अभाव में। ये गोरखपुर का शहर था जहाँ सीएम साहब रहते हैं, वहां पे लोगों की मौतें हुई। ये स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, क्या बात करेंगे ये लोग? ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये जब न तब देवी देवता राम, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान की बात करेंगे। संतरा जी क्या करेंगे? कोरोना काल में हमारे कल इंडिया में नहीं था, ना गोरखपुर में ही था, पूरे विदेशों में था, विदेश से ही होकर आया, जैसे भी आया, ये कोई नहीं जानता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति का चीज़ है, इसने कोई इसमें कोई, हमारी सरकार जो है वैक्सीन बनाई, पूरे विश्व में मोदी जी ने वैक्सीन भेजने का काम किया, लोगों का जान बचाया, और पूरे हिंदुस्तान में जो है आप देखें कि 130 करोड़ को लोगों को वैक्सीन लग गया, दूसरा डोज लग गया, आप और तमाम आप बच्चों को लग रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनका भी लग रहा है, 18 साल के बच्चे हैं जो छूटे थे उनका भी लग रहा है, जो बुजुर्ग हैं जो छूटे हैं उनका भी लग रहा है। सबको प्रयास है, हमारी सरकार वैक्सीन दे रही है, सब लोग एनर्जी मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। इस बार आप देखे होंगे थोड़ा सी लहर आई थी और लहर अपने आप निकलती चली गई, किसी का कोई मृत्यु नहीं हुआ, कहीं कोई घटना नहीं हुई। अब गोरखपुर में हमेशा बल्ले बल्ले है, चारों तरफ आपको नालियाँ सड़क
आपको हर चीजें दिखाई दे रही हैं, सब चमचमाती सड़कें मिल रही हैं। जो बची है फिर 5 साल हमको अगला मौसम मिल रहा है, यही लोग हमको जिताएंगे, हमारी यह जनता जिताएगी पूरे उत्तर प्रदेश की, जो 75 जिले हैं पूरे 403 विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत से फिर आ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी और हम फिर उसके बाद जो छूटा है उसको पूरा करेंगे। कृषि प्रधान देश है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, पश्चिम के जो 4 चरण थे वो पूरी तरह से भाजपा खो चुकी है और 5वां चरण भी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया है, तो क्या मानते हैं इस तरह के आरोपों को? देखिए, किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर का जब उस दिन आए थे शिलान्यास करने के लिए, उस समय उन्होंने 6,000 रुपया सलीना 2,000 रुपया करके देने की बात उन्होंने किया था और सबके किसानों में उसी दिन जो है क्लब किए और सबके खाते में किसानों का पैसा गया। अब वो सरकार इसके बाद कुछ और सोच रही है, हो सकता है किसानों के और भी आय दुगनी करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बन रही हैं जो कि किसान खुश रहेगा तो देश खुशहाल होगा। तो हम किसानों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और किसानों के बारे में दिन रात इस पर बहस चल रही है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के आय दुगना चौगुना भी बढ़े। तो मानते हैं कि किसी आंदोलन से कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं, आंदोलन से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसान केवल जो है कि अपना वो कर रहे थे, वहाँ पर चढ़ाई विपक्ष लोगों ने किया था, विपक्ष चढ़ावे पे आए थे, उनको गुमराह कर करके तमाम चीज़ें आप देखे होंगे टीवी पर, उनको किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और इसी तरह के जबरदस्ती बैठा करके अपना कर रहे थे। जवाब लेते हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, क्या मानते हैं? सर, खटिया खड़ी हो गई है, खटिया खड़ी हो गई है, वो तो जब गिनती होगा तब तो पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि यह लोग तो भाई यह भविष्य वक्ता भी हैं, अभी न मालूम EVM में कितना वोट पड़ा है लेकिन गिन के फिट हैं कि हमारी 300 से अधिक सीटें हैं, यही मैं गणित अभी तक समझता नहीं हूँ, कैसे गिन लिए, सब लोग बोल रहे हैं 300 से ज़्यादा, ये क्या है दादा? भाई साहब ऐसा है कि यह लोग झूठ के आधार पर हैं, झूठ में इतने माहिर हैं कि उसका पॉलिश लगेगा कि ये समझ लीजिएगा कि गिलट रहेगा सोना बना देंगे, यह काम है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए यूक्रेन, हम ज्वलंत समस्या पर एक मिनट के लिए, यूक्रेन में कितना आप समझ लीजिएगा कि 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, अब 20,000 चिल्ला रहे हैं और बंकरों में छिपे हुए हैं, ये अभी इस पर आया था शाम को हम देखे हैं तो 2,000 बोले 13 ठिलाए अभी 13 आउसी का 13 का ढिढोरा पीट रहे हैं। आ इतना ही नहीं, सबसे गंदा काम भारतीय जनता पार्टी का है, इस पर तो कोई भी रो देगा, छात्र रो रहे हैं हमारे और आपके घर के, यूपी के भी हैं। भाई साहब, जो एयरलाइंस की समझ लीजिए 35,000 किराया है, उसको कमाने के लिए 85,000 रुपया उन छात्रों से ले के किराया लिया जा रहा है। बात यूक्रेन की नहीं है, BSP का स्टैंड करती है, अगर ये 300 बोल रहा है, ये पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, हाँ। तो BSP का स्टैंड करे, BSP क्या बोल? हम तो सर का हमारा समझ लिए जिसकी जितनी एक गणित और कुछ मत जानिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिता जी तो बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी जो BJP की BT में, आइए ये जो मन करे यह कहे, हम भी कह सकते हैं, तो भाई कह रहे हैं मान ही नहीं रहे हैं, 5 करोड़ प्रूफ है, ऐसा नहीं है, प्रूफ है कि 5 करोड़ रुपया यह लेकर के वो ईमानदार इनके केजरीवाल जो हैं 5-5 करोड़ लेकर के और टिकट को धजियां उड़ाए हैं। जवाब लेते हैं हमारी पार्टी। देखिए जो आप 300 का आंकड़ा कह रहे हैं ना, वो 300 का बहुमत वाला आंकड़ा नहीं है, इस चुनाव के बाद गलती से भी अगर ये सत्ता में आ गए तो वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं अब की बार 300 के पार, कड़ुआ तेल का दाम बता रहे हैं अब की बार 300 के पार, होशियार रहो जनता, और जनता इनके छलावे को जान चुकी है, कहते कुछ और करते कुछ और, ये तो इनका व्यवहार है। ये दूसरे दलों को सत्ता से बाहर करते रहे और अब अपने सत्ता से बाहर होते रहे हैं, राज्यों में देख लीजिए, राज्यों से गायब हो रहे हैं और हमारी उत्तर प्रदेश की महान जनता जो केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित है, और हम कभी घोषणा पत्र नहीं लागू करते महाराज, हम गारंटी पत्र देते हैं कि हमने ये गारंटी दिया कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में दे करके दिखाया, ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये लोग कहते थे मुफ्तखोरी का आदत दे रहा है केजरीवाल,
ये लोग आज क्यों देना शुरू कर दिए? और जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिए? आज सत्ता से खदेड़े जा रहे हैं तो इनको याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए वादा कर रही है, 5 साल सत्ता में थे तो माननीय अखिलेश जी ने क्यों नहीं दिया? और विश्व स्तर की शिक्षा, देखिए भाई साहब, शिक्षा स्वास्थ्य ये हर परिवार की या हर व्यक्ति की सबसे प्रथम जरूरत वाली चीजें हैं, और इन लोगों ने अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया। हमारे केजरीवाल जी ने शिक्षा को और स्वास्थ्य को दिल्ली में उत्तम स्थिति में ला दिया। आप जब मोदी जी के लंगोटिया यार अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को जब कोई विद्यालय दिखाने की बात आई तो न वो एक केंद्रीय विद्यालय दिखा सके, न एक नवोदय विद्यालय दिखा सके। उनको दिल्ली सरकार का प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल उन्होंने दिखाया, ये बहुत अच्छी व्यवस्था। अपनी बात वो कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, और आप बोल रहे हैं क्या पूर्व मुख्यमंत्री है, किसकी लड़ाई मानते हैं? देखिए हम इन लोगों की तो बात ही नहीं करते हैं। देखिए लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई, हम जनता के जो दुख दर्द है उसको महसूस करके हम लड़ रहे हैं। जनता के दिलों में केजरीवाल जी राज कर रहे हैं क्योंकि वो जनता के नब्ज को पहचानते हैं, इनकी जरूरतों को पहचानते हैं। इनके इनके साथ, जनता के साथ जो अन्याय हुआ, दिल्ली में 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ा, हर चीज में रिटर्न मिल रहा है, चाहे पानी फ्री हो, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे 1 मिनट हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, चाहे महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री हो, ये सब दिल्ली में चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में टैक्स पे टैक्स है लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी हम लोग जमीन से लेते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, और दिल्ली में पानी खरीद के मिलता है, वहाँ पानी फ्री में देते हैं। ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कारपोरेट को, पूंजीपतियों को, उनकी दलाली करते हैं ये लोग, देश को बेच रहे हैं। आपने कहा गोरखपुर के विकास का, इस रामगढ़ ताल की मैं बात करता हूँ, यहाँ हमेशा 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जलकुंभी साफ करने का ठेका होता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर गोरखपुर में होता है तो रामगढ़ ताल में होता है। आप यहाँ की टूटी बाउंड्री को देख लीजिए, ये सड़कों को विकास कहते हैं, 4 लेन को विकास कहते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, अगर आपको बजबजाती नालियां ना मिले, आपको टूटी फूटी सड़कें ना मिले, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं किसी भी मोहल्ले की बात करता हूँ, ये इनका काम है। नेता भी हैं, समाज सेवी हैं, तो क्या मानते हैं कि आपने भाजपा को सुना, बसवंत समाज पार्टी को पांडे जी को सुना, भाई भी लगातार बोल रहे हैं, क्या मानते हैं लड़ाई कैसी दिलचस्प है और जनता किसको समर्थन देने जा रही है? पहले चीज तो देखिए, बड़े भाई से हमने कहा पटरी व्यवसाय क्यों प्लान करें, इन्होंने गोल गोल घुमा के उस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज, अभी इन्होंने मोदी और योगी जी को भगवान बना दिया। मैं पहले टीवी में सुना करता था अंधभक्त, हमको लगता है भाजपा में मंद भक्त भी हो गए हैं। आप समझिए, एक इंसान को भगवान बनाना, क्या यह परिकल्पना है? दूसरी चीज, ये लोग इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे अभी बड़े भाई ने कहा कि ये राम को ले आने लगते हैं, तो इन लोगों की घमंड चौथे नहीं, कई बहुत आसमान पे ऊपर हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है, ये हरदम इतिहास लिखी। हमने शुरू में बोला यहाँ पे भाजपा के 6 मंत्री हुआ करते थे उस समय, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पे यही गोरखपुर में एक किन्नर आशा देवी को मेयर बना करके यहाँ की महान जनता ने जवाब दिया था। और आज के डेट में यही फिर घमंड में आए थे माननीय योगी आदित्यनाथ, यही लोकसभा चुनाव में इनके सीट पे हारा करके यहाँ की महान जनता ने प्रवीण निषाद को बना करके सांसद बना के भेजने का काम किया। फिर गोरखपुर में एक इतिहास होगा, अभी आपको कहे ना, ये लोग घमंड में हैं। इन्होंने कहा कि मैं ये आवास है प्रधानमंत्री, आप समझिए, कांग्रेस आई वो भी इंदिरा आवास दी, बसपा आई वो भी अम्बेडकर आवास दी, सपा आई लोहिया आवाज, इन्होंने दिया क्या? ये कह रहे हैं ये काम किए वो काम किए, गोरखपुर में ये एक नया काम नहीं गिनवा सकते हैं, सिर्फ खाली लीपा पोती करने का काम किए। और अगर इन्होंने विकास किया तो किस चीज का किया? अपराध का विकास किया, भ्रष्टाचार का विकास किया। जहां 100 रुपए में काम होता था वहां काउंटर पे ठोक करके 1000 रुपए लिया जा रहा। अब किसी भी विभाग में चले जाइए, जितने भी अधिकारी हैं, यही गोरखपुर में हमारे कमिश्नर है आदरणीय रवि कुमार एनजी जी, यही गोरखपुर डीएम हुआ करते थे सपा सरकार में, यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको डकैत बोलते थे, आज कमिश्नर बना करके थी गोरखपुर में बैठाने का काम किए। जो गोरखपुर की परिकल्पना है वो सामने दिखती है। वर्तमान में आपने अभी जैसे कहा कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में डीएम और एसएसपी
बैठ करके जो है उसके परिवार को धमकाने काम करता है, बहुत निंदनीय है। उसका वीडियो वायरल हो जाता है, फिर भी डीएम एसएसपी पे कार्रवाई नहीं होता है। यही मनीष गुप्ता हत्याकांड में यही जो जगत नारायण है उनको नगद नारायण के रूप में पूरा जिला जानता था, और यहीं पर में एसओ पोस्ट हुए और यहीं पर में ये घटना हुई, और इतना घटना होने के बाद ही उसको भी लीपापोती करने का काम किया गया। यहाँ जितने भ्रष्टाचारी हैं आप खुद देख लीजिए, ये कहते हैं अपराध मुक्त, अपराधी सब तो भाजपा में चले गए तो अपराध मुक्त हो जाएगा। इनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद तड़ी पार, इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टोनी जी पूरे देश पूरे विश्व ने देखा और थूकने का काम किया इन लोगों पे, और वर्तमान में इतना होने के बाद भी मंत्रिमंडल से नहीं किया। इन लोगों का यही इतिहास है, यही चरित्र है, हरदम इन लोगों ने दुमुही बात किया है। और वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं, जैसे ये लोग जो कहते हैं कथनी और करनी, इन दोनों लोगों का दुमुहा हो गया। हाँ, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, योगी आदित्यनाथ का महंत के रूप में आजीवन सम्मान करता रहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जब भी अब जाएगा तो एक काले पन्ने में इतिहास लिखा जाएगा। यही गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती है, आज विजय बहादुर सिंह का गौरव से नाम लेती है यहाँ गोरखपुर की जनता। लेकिन मैं आपको बता दूं, और इस डिबेट के माध्यम से कहीं लाइन में आप लिख लीजिएगा, यही मुख्यमंत्री कार्यकाल जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार, हर 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 विभाग का एक भ्रष्टाचार जो है इतिहास लिखेगा, और काले पन्नों में काले शब्दों में मुख्यमंत्री का एक निंदनीय लिखा जाएगा, वो इस बार योगी आदित्यनाथ। संतराज जी काफी बात बताइए, देखिए भाई वो हमारे मित्र बोल रहे हैं, भाई हमारे बोल रहे हैं, आप सबकी बात आप सुनी रहे हैं। 5 साल में अब तक ये प्रूफ नहीं कर पाए, किसी कोई भ्रष्टाचार का प्रूफ नहीं कर पाए, और निराधार आपका जो भी बोलना है वो सब जितना भी बोलना सब निराधार है, कोई भी बेदाग, हमारी पूरी सरकार हमारी बेदाग है, कहीं से कोई वो दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने देखा नहीं डीएम और एसएसपी को धमकाते हुए, और भाई साहब जो कह रहे हैं सरकारें आती हैं, सरकार जो समाजवादी की थी, डीएम एसपी हर सरकार में, एसपी डीएम हर जिले में अपना ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है, कार्रवाई हुई है और इन लोगों पर सजा हुई है, जो भी अपराधी थे उनकी सजा हुई है, जो लोग अपराध में लिप्त थे उनकी जांच हुई है, सीबीसीआईडी से लेकर के और उच्च स्तर से सारे अधिकारी जांच किए हैं, ये दोषी पाए गए हैं, इनका जो है सजा होगा। और ये बोल रहा है कि हम उनको योगी जी को महंत के रूप में स्वीकार करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। देखिए देश की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहेगी वही होगा, आपके कहने से नहीं होगा। वोट देने वाला व्यक्ति गरीब किसान जो है मजदूर वो जानता है कि हमारे घर में कितना, हमारे जो पानी में हम लोग भीगते थे आज वो छत लग गया, हम आराम से घर में पड़े हैं, गैस चूल्हा है, राशन है, सब कुछ बीजेपी सरकार दे रही है, तो वोट तो बीजेपी सरकार को ही करेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी आ रही है, उसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। पांडे जी आप बोल रहे हैं 300 की बात सारे लोग कर रहे हैं, 300 ये भी बोल रहे हैं, बहुमत ये भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि 300 का आंकड़ा कैसे बता सकते हैं, क्या मानते हैं? हम लोगों की बहुमत की सरकार होगी, हमें नहीं कह सकते हैं कि हमको इतना मिलेगा, ये तो एक गणित तो सिर्फ भाजपा के लोग जानते हैं, और गिन के रखे हैं कि हमारा 300 इतना है। हम ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी, आज देख लीजिएगा, आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा, आपको सम्मानित करूंगा कि हम मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती हैं, ये मैं आपसे अभी मैं कह रहा हूँ, दावा है मेरा। 5 चरण हो चुके हैं और 5 चरणों में जो लड़ाई है वो हमें देखी जा रही है कि लोग कह रहे हैं, लोगों रुझान है कि समाज पार्टी है भाजपा के बीच में है, आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के लेकर क्या कहेंगे? ये भाई साहब ये बताइए, आप लोग इतने दूर में रहते हैं ना, यहाँ सब वर्णों के बीच में आप रहते हैं, जो कि ब्राह्मण ठाकुर लाला लोगों की तादाद ज़्यादा है, आप तो समझिए गरीबों के गाँव में गए नहीं, जहाँ पर दलितों की बस्ती है, जहाँ पिछड़ों की बस्ती है, जहाँ पर उसका वोट है, वहाँ कभी गए हैं? जब वहाँ जाइए बात करिए तब न कोई ये कहीं दिखाइए नहीं देगा, सब बस सब हाथी हाथी लोग कहेंगे। पर सारी पार्टियाँ बोल रहे हैं कि जो विशेष वोट बैंक है, जो गरीब वोट बैंक है, या जो लाचार है, जो गरीब है, जो शोषित है, और जो आप वोट बैंक बताते हैं कि बसपा का पारंपरिक वोट बैंक है, उस पर सबने बोला कि हमारा वोट बैंक है, हमारी पार्टी बोली हमारा वोट बैंक है, सबारी पार्टी बोली हमारा वोट बैंक है। यह लोग पैसा बांट रहे हैं, पैसा के बल पर, सिद्धांत के बल पर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वह सब पैसा भी लेंगे और वोट तो कतई नहीं दो, हाथी चल रहा है हम लोगों का। हम तो कह दिए हैं कि उन लोगों का पैसा खाओ,
बस एकदम मस्त रहो और हाथी का बटन दबाओ, हाथी सरकार बनाने जा रहे हैं। बोला है पैसा लो और अन्य पार्टियों को वोट ना देके बसपा वोट। देखिए चरित्र निकल के ऊपर आ रहा है, पैसा लो और वोट दो, मतलब ये चरित्र इनका निकल के आ रहा है कि ये अपने दलित समाज के ये लोग चिंतक नहीं है, ये लोग उनके दलाल हैं, उनके वोटों की खरीद बिक्री करते हैं। माननीय केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में कहीं भी ऐसा एससी एसटी ओबीसी जनरल कहीं ऐसा शब्द वहां पे, चूंकि जो कानून की बाध्यता है वो है, लेकिन जो सुविधाएं प्रदान करती है वहां इंसान को सुविधा प्रदान करती है, न कि किसी दलित को करती है, न कि किसी पिछड़े को करती है, न किसी सवर्ण को करती है, न किसी माइनॉरिटी के नाम पे करती है। वहां जो सुविधा है वो दिल्ली में जन्मे इंसान के लिए है या दिल्ली निवासी के लिए है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह लोग जाति को बेस बना करके, वोट बैंक को बेस बना करके काम करते हैं। एक चीज बताइए ना, दिल्ली में 10 का आंकड़ा भी ये लोग नहीं पार कर पाए तो वहां एक जाति के लोग हैं। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, क्या वहां एक जाति के हैं? वहां कोई वोट बैंक है? अरे वहां जन की समस्या दूसरी है, उत्तर प्रदेश की समस्या दूसरी है भाई साहब। यहाँ एकदम गरीबी के रेखा से नीचे रहते हैं, वहां सारे भ्रष्टाचारी रहते हैं। अब भ्रष्टाचारियों की बात करेंगे ताकि गरीबों की बात करते हैं? एक मिनट मैं जवाब देना। भ्रष्टाचारी वहां रहते हैं, भ्रष्टाचार दिल्ली चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि वहाँ भ्रष्टाचारी रहते हैं। आप मलिन बस्ती में जाइए। हाँ, मैं वही मलिन बस्ती में जाइए, बजबजाती नालियाँ ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा। भैया ने आवास की बात कही, इन्होंने आवास की बात कही। आवास लेने के लिए 40,000 रुपया घूस लिया गया इनके कार्यकाल में। सुनिए मेरी बात और सुन लीजिए, कोई भी शौचालय के नाम पे इतना घोटाला हुआ, आवास के नाम पे इतना घोटाला हुआ। आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा घोटाला खुल करके आएगा, जो 2.5 लाख रुपया आवास के नाम पे दिया गया है। उसमें एक राशि आती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करने के लिए वो 18,000 की राशि आती है, जो उस लाभार्थी को नहीं दिया जाता है। वो 18,000 रुपये को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कई सौ करोड़ का घोटाला आएगा। समय कम है, जवाब लेते हैं। हमारे एस सी तिवारी जी हैं, जी सी तिवारी जी क्या मानते हैं, कई चरणों का चुनाव आपने देखा है, कई सालों आपने चुनाव देखा है, कई सरकारें बदलती और बनते देखी हैं, किस तरह का चुनाव रहा है? चुनाव तो देखिए, ये जो हो रहा है, ये जनता जो है बिल्कुल भाजपा के ही पक्ष में है। और हमारा जो ओपिनियन है कि हमारे ये भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में इनकी ही सरकार बनेगी। और आंकड़ा जो है जो भी हो, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आरोप लगा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं। देखिए ऐसा है कि जो भी विपक्ष में रहते हैं उनके पास कोई तो कोई मुद्दा होना चाहिए और कमियां। यहां तो हमारा कमेंट्री प्रधान देश है, तो कमेंट्री तो ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति कमेंट्री कमेंट कर लेता है, करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने क्रियाकलापों पर कोई पार्टी या कोई भी चीज़ ध्यान नहीं देता है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश को इस समय आवश्यकता है भाजपा की सरकार बनने के लिए, तभी प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश की जनता का कल्याण होगा। ये आप जान लीजिए, मैं आपसे बाबा गोरखनाथ की नगरी में आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ अपना अनुभव। और भाजपा की ही सरकार बनेगी, अब वो 300 के इर्द गिर्द रहे वो जो भी रहे, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। लड़ने के लिए तो आखिर सब पार्टियाँ हैं, सब लोग हैं, तो आखिर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से गोरखपुर की जो ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ के प्रसिद्ध रामगढ़ ताल पर हमारी डिबेट हो रही थी और सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही और ये बात स्पष्ट की कि उनकी सरकार इस चुनाव में बनने जा रही है। सारी पार्टियाँ अपने अपने बहुमत के दावे कर रही हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, अपने एजेंडे की बात कर रही हैं, जनता की बात कर रही हैं, पर सरकार किसकी बनेगी वो तो आने वाली 10 मार्च को तय होगा। पर एक बार बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है, ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और निश्चित रूप से कुछ बड़े समीकरण भी यहाँ बदलेंगे, कुछ बदलाव भी हो सकता है और साथ ही साथ कुछ ऐसी पुनरावृत्ति भी हो सकती है जिससे आम जनता को कुछ लाभ भी होगा, कोई परेशानी भी हो सकती है और कुछ समीकरण नए ऐसे भी पैदा हो सकते हैं जो कि ऐतिहासिक होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ऐतिहासिक बातें भी हो सकती हैं, ऐतिहासिक बदलाव भी हो सकता है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे वादे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेंगे अलग अलग पार्टियों के माध्यम से, चाहे मुफ्त के वादे हों, चाहे काम के वादे हों, चाहे इलाज के वादे हों,
चाहे आयुष्मान कार्ड के वादे हो, चाहे योजनाओं के वादे हो। फिलहाल अब वादे कौन सी पार्टी के पूरे होंगे, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये 10 मार्च को साफ होगा। पहली बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है और सारी पार्टियाँ अपने जो बहुमत की बात कर रही हैं वो निश्चित रूप से उनका दमखम है, क्योंकि हर पार्टी का अपना जनाधार होता है, अपनी बात होती है, अपना एजेंडा होता है, वो बात करना लाजमी है, पर फैसला 10 मार्च को होगा। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।